हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। जो लेटेस्ट डेटा आईआरसीसी ने अभी रिलीज किया है वो है 22 अगस्त का, यानी कि 3 दिन पहले जो डेटा आया है। अगर आप अपनी फाइल किसी भी वीजा कैटेगरी में कनाडा में लॉन्च करते हो एम्बेसी में, तो लॉन्च करने के बाद आपको कितना समय लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपकी वीजा कैटेगरी में कितना समय लग रहा है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम एक एक कर सभी कैटेगरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विजिटर वीजा की बात करते हैं आउटसाइड कनाडा। अगर आप कनाडा के बाहर किसी कंट्री में और वहां से विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है। पहले भी 29 डेज आपको लग रहे थे, अभी भी 29 डेज आपको लगे। इसके बाद आप बात करेंगे विजिटर वीजा इनसाइड कनाडा। अगर आप कनाडा में ही हैं और विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई चेंज इसमें भी नहीं दिखाई देगी। इसमें भी पहले भी 17 डेज में ही आपका रिजल्ट आ रहा था और अभी भी 17 डेज में ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप सुपर वीजा देख रहे हैं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सुपर वीजा उनके लिए होता है जो वहां पर पीआर है या सिटीजनशिप पे है, वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीजा पे बुला सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो 51 डे था, अभी एक दिन कम हो चुका है 50 डेज, यानी कि कोई इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। विद इन 2 मंथ आप अपना अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का सुपर वीजा ले सकते हैं। स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट या हमारे जो स्टूडेंट स्टडी के लिए कनाडा जाते हैं उनके लिए भी कोई चेंज नहीं है। पहले भी 7 वीक का टाइम चल रहा था, अभी भी 7 वीक का ही टाइम चल रहा है। विजिटर वीजा अगर एक्सटेंशन की बात करते हैं, अगर आप पहले विजिटर वीजा पे गए थे अभी एक्सटेंशन आपको और चाहिए तो उसमें अभी 6 दिन कम हुए हैं। पहले 89 डे थे, अभी 86 डेज अगर आप एक्सटेंशन चाहते हो तो आपको वहां पर मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा की। अगर आप कनाडा में हैं और आपने विजिटर वीजा पे गए हैं या टूरिस्ट वीजा पे, वहां पर जाकर आप स्टडी वीजा में अपना वीजा शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 वीक ज्यादा लगेगा। पहले 7 वीक ही था, अभी 1 वीक इंक्रीज हो गया, 8 वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी वीजा स्टडी परमिट एक्सटेंशन के बारे में। अगर आप स्टडी परमिट पे पहले गए हैं, आपके पास 1 साल का या 2 साल का प्रोग्राम है और आप और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वहां पर आपके 4 दिन कम हुए हैं, यानी कि 71 डे पहले लग रहे थे आपके, अभी 75 पहले लग रहे थे, अभी 71 डेज लगेंगे आपको, यानी कि 4 दिन कम हुए हैं। इसके बाद अगर वर्क परमिट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स में लोग वर्क परमिट पे भी कनाडा में जाते हैं, तो वर्क परमिट का भी कोई चेंज नहीं है। पहले भी 8 वीक में ही आपका रिजल्ट आ रहा था, अभी भी 8 वीक में ही आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप वर्क परमिट इनसाइड कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 5 दिन कम हुए हैं, पहले 146 डे थे, अभी 141 डेज रह चुके हैं। तो यानी कि अगर आप किसी भी वीजा कैटेगरी जो टेम्प्रेरी क्लास में आती है उसमें जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको अप्रॉक्स 2 मंथ का समय लगता है, जिसमें स्टडी परमिट हो गया, वर्क परमिट हो गया, विजिटर वीजा हो गया। कुछ कैटेगरीज में आपको 10-15 दिन का समय भी लग रहा है, कुछ में आपको 2 मंथ 1.5 मंथ का समय भी लग रहा है। तो मैक्सिमम हम टाइम मानकर चलते हैं कि विद इन 2 मंथ आपकी किसी भी फाइल का रिजल्ट आपको मिल सकता है, मगर इस प्रोसेसिंग टाइम को आप फिक्स नहीं मान सकते। बहुत सारी एप्लीकेशन इस प्रोसेसिंग टाइम से पहले भी प्रोसेस हो जाती हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे होती है जिनका रिजल्ट डिले हो जाता है 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, मतलब कुछ फिक्स डेडलाइन नहीं है। जो एवरेज होता है, जो लास्ट इन्होंने 1 मंथ में 2 मंथ में जो प्रोसेसिंग कंप्लीट की है अलग अलग कैटेगरीज की, उनका जो एवरेज टाइम आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम हमेशा होता है। उम्मीद करता हूँ प्रोसेसिंग टाइम को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपको प्रोसेसिंग टाइम को लेकर है, जब आप अपनी फाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं किसी भी वीजा कैटेगरी में, तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप अपना प्रोफाइल हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।